स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो RRC NCR रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज इसमें 1659 अप्रेंटिस वैकेंसीज है। तो चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। RRC NCR रिक्वायरमेंट 2022, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में है हो तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे RRC NCR एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। RRC NCR रिक्वायरमेंट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि https://www.rrcpryj.organization है, ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए इनवाइट किया गया है। 1659 वैकेंसीज एक्स अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए। जो भी कैंडिडेट्स अपना भविष्य बनाना चाहते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे RRC NCR में, वो अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट लिंक से, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। बंद होने से पहले अप्लाई करिए, क्योंकि कुछ ही वैकेंसीज बची हुई है। इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप स्टार्ट डेट जो कि है 2 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुकी है, और आखिरी डेट एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 1 अगस्त 2022 की है। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इससे सारी जानकारियां, जैसे एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी ऑफर एक्सेट्रा। कैंडिडेट से गुजारिश है कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे RRC NCR ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी देखें और समझें। RRC NCR रिक्वायरमेंट 2022 लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिटेल्स। ऑर्गेनाइजेशन जो कि है इसकी, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नेम है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे RRC NCR। जॉब टाइप सेंट्रल गवर्नमेंट की है। रिक्वायरमेंट टाइप की बात करें तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, नंबर ऑफ RRC NCR 01/2022 है। पोस्ट नेम की बात करें तो एक्ट अप्रेंटिसशिप है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1659 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की बात करें तो उसमें आपको ऑनलाइन के जरिए भरना होगा। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 2 जुलाई 2020 को स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट की सबमिशन की जो है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो है 1 अगस्त 2022 की। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो www.rrcpryj.organize.com है। अब बात करते हैं लेटेस्ट वैकेंसी डिटेल के बारे में। 1659 कैंडिडेट्स इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। अब बात करते हैं नेम ऑफ डिवीज़न और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। आगरा डिवीज़न में 296 वैकेंसीज है। वर्कशॉप झांसी में 180 वैकेंसीज है। झांसी डिवीज़न में 480 वैकेंसीज है। प्रयागराज में 364 वैकेंसीज है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बेस पर, और इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट के बेस पर 339 वैकेंसीज अवेलेबल है, जो कि टोटल बात करें तो 1659 वैकेंसीज है। अब बात करते हैं RRC प्रयागराज अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज, प्रयागराज डिवीज़न मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि टोटल वैकेंसीज है इसमें 364 पोस्ट। टेक्निकल फिटर 335, टेक्निकल वेल्डर 13, टेक्निकल कारपेंटर 11, टेक्निकल पेंटर 5 है इसमें। RRC प्रयागराज अप्रेंटिसशिप जॉब प्रयागराज डिवीज़न इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट, टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 339 पोस्ट है। टेक्नीशियन फिटर 246, टेक्नीशियन वेल्डर 9, टेक्नीशियन आर्मेचर विंडर 47, टेक्नीशियन पेंटर 7 है इसमें, जो कि आपकी वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। टेक्नीशियन कारपेंटर 5 है, टेक्नीशियन क्रेन 8 है, और टेक्नीशियन मशीनिस्ट 15 मांगे गए हैं, और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन 2 मांगे गए हैं। अब बात करते हैं RRC प्रयागराज अप्रेंटिसशिप झांसी डिवीज़न के बारे में, जो कि टोटल वैकेंसीज 480 पोस्ट है। फिटर के
फिटर की जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो है 286, वेल्डर जी एन ई की 11 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिशियन की 88 वैकेंसीज है, मैकेनिक की DLS की 84 वैकेंसीज है, और कारपेंटर के बारे में भी कुछ बताया नहीं गया है। RRC प्रयागराज अप्रेंटिसशिप जॉब झांसी डिवीज़न वर्कशॉप झांसी के बारे में बात करते हैं, जो कि टोटल वैकेंसी है 185 पोस्ट्स। फिटर में नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 है, वेल्डर में 47 है, MMTM 12 है, स्टेनोग्राफर हिंदी में 3 है, मशीनिस्ट में 11 है, 11, पेंटर में 16 है, इलेक्ट्रिशियन में 11 है। अब बात करते हैं PRC प्रयागराज अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज आगरा डिवीज़न के बारे में, जो कि टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 296 पोस्ट है। फिटर की नंबर ऑफ वैकेंसीज है 80, इलेक्ट्रिशियन की 125, वेल्डर की 15, मशीनिस्ट की 5, कारपेंटर की 5, पेंटर की 5, हेल्थ सैनिटर इंस्पेक्टर की 6, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की 8 है, प्लम्बर की 5 है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 5 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 4 है, वायरमैन की 13 है, मैकेनिक कम ऑपरेटर की 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर की 5 है, जो कि कुल मिला के टोटल 1664 है। अब बात करते हैं एज लिमिट डिटेल के बारे में। द नोटिफाइड एज कैंडिडेट्स ओनली कैन एबल टू अप्लाई फॉर द जॉब वैकेंसीज। कैंडिडेट्स कैटेगरी रिजल्ट है SC ST PWD वुमेन और सारी दूसरी उससे ऊपर उम्र से जातियों के लिए। एज लिमिट चेक कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप 15 से 24 साल से ज़्यादा उम्र वाले 5 साल के लिए, SC ST OBC वालों के लिए 3 साल, पर्सन डिजेबिलिटी के साथ 10 साल की छूट, और SC ST 15 साल के लिए छूट मिलेगी। PWDS OBC 13 साल की छूट मिलेगी। EX के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के तहत। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, जो कि इसकी नेम है अप्रेंटिसशिप। एजुकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की SSC मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन और 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन, जो कि 50% कम से कम होने चाहिए कोई भी मान्यता बोर्ड से, ITI, कोई भी ट्रेड द्वारा NCVT या SCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ITI कैंडिडेट्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलेटेड टू NCVT SCVT इज कंपल्सरी इज रेलेवेंट ट्रेड। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी एक बार जमा कर दी दोबारा नहीं मिलेगी, पेमेंट ऑनलाइन के द्वारा जमा होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन रद्द हो सकती है, इसलिए ध्यानपूर्वक भरिए। अब बात करते हैं नेम ऑफ कैटेगरी और एप्लीकेशन के बारे में। SC ST PWD वुमेन अप्रेंटिसशिप एप्लीकेंट्स के लिए आपको 100 रुपये देना पड़ेगा उन लोगों के लिए, और SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट के लोग एप्लीकेंट्स को कुछ नहीं भुगतान देना पड़ेगा। हाँ, अब बात करते हैं कि आप कैसे इसे भर सकते हैं। पहले कैंडिडेट्स को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि RRCPRYJ.organize पर ज़रूर चेक करना चाहिए या चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक पर अप्लाई कर जाए, एक नया टैब खोलकर सामने आएगा एप्लीकेशन फ़ी के साथ। अब फॉर्म को भरिए, नेसेसरी डिटेल्स जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट और इस पर इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन के जरिए एप्लीकेशन फ़ी पे करें। सबमिट लिंक पर क्लिक करना, एप्लीकेशन को सबमिट करें, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें भविष्य में काम आने के लिए। अब बात करते हैं एसेंशियल इंस्ट्रक्शन फॉर फिल RRC NCR रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट्स को RRC NCR रिक्वायरमेंट 2022 के PDF ध्यानपूर्वक पढ़नी चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेलेवेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि अपना मोबाइल वर्किंग कंडीशन में हो और ईमेल ID यूज़ करते हो। ये अगर दोनों चीज़ आपकी खुली होगी तो आपको
कोई भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। अधिक जानकारी के लिए RRC NCR की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो RRC NCR रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों। लव यू ऑल गाइज़।